हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो पोलराइज होता है, और उसमें हमने बॉन्ड चार्ज और ये निकाला था। हम आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कल कि एक हमने फॉर्मूला लिखा था E इक्वल टू पी बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो वो फॉर्मूला का कब के लिए है, जब आपका स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली पोलराइज होता है आपका, ठीक है। और जो क्वेश्चन मिला था आपका यहाँ पे, उसमें P क्या था आपका, P इक्वल टू के आर ऐसा कुछ था आपका यहाँ पे। आपका ये नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगा, जैसे जैसे आपका आर बढ़ते जा रहा है पोलराइजेशन आपका चेंज होता जा रहा है आपका, ठीक है। ये चलो आज हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर गॉसस लॉ देखेंगे हम लोग डायलेक्ट्रिक्स में, और फिर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये जेस्ट का क्वेश्चन है। ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई, ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, is made of a dielectric material, is made of a dielectric material with polarization PR आपको दे रखा है K by R R cap, where K आपका जो है क्या आपका है constant है आपका, कहाँ पे K आपका constant हो गया, ठीक है। फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजियन आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उस रीजन में। आपके पास ऑप्शन है, देखो ई इज इक्वल टू, पहला आपका ऑप्शन है के बाय एप्सिलॉन नॉट आर आर कैप, सेकेंड आपका ऑप्शन है ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के by epsilon naught r r cap, ऑप्शन नंबर सी है आपका e is equal to zero, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका e is equal to k by epsilon naught r square r cap। आपका ये जेस्ट का क्वेश्चन है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ो, दो मिनट ट्राई करो सभी लोग। आपका स्फेरिकल सेल है, इनर एंड आउटर रेडियाई आपका ए और बी आपका है, इसका मतलब हो गया कहाँ पे आपका ये ए, इनर रेडियस आपका ए हो गया, ये आपका आउटर रेडियस आपका हो गया बी, और आपका जो मटेरियल है ये कहाँ आपका मटेरियल है कहाँ पे, इसमें आपका ये क्या आपका हो गया, ये आपका मटेरियल हो गया आपका पे, ठीक है। जो भी आपका सब्सटेंस है आपका वो उसके बीच में आपका ए और बी के बीच में आप कहाँ पे है, ए इधर का अंदर क्या आपका हो गया खोखला हो गया आप कहाँ पे होलो हो गया आपका, ये है ना। इसके अंदर आपका पोलराइजेशन आपको दे रखा है आपका, ये इस तरीके से पोलराइज हो रखा है आपको, दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कोई भी आर डिस्टेंस पे जो कि ए से बड़ा है और बी से आपका छोटा है, तो मतलब आपका यही क्या हो गया, मैं यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया आप पे डिस्टेंस आर हो गया, यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ओके ये आपका हो गया आर हो गया आप पे। तो मैं क्या करूं बेसिकली, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है आप समझ गए अभी तक कि मैं गॉस लॉ यूज करूंगा, ठीक है, और ई डॉट डी एस करके, तो आपका ई इंटू पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 4πr2। बेसिकली मुझे क्या जानना है कि इस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, मुझे ये जानना है मुझे, ठीक है। अब इसके अंदर आपका जो चार्ज होगा वो कौन कौन सा चार्ज होगा, देखो अब इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज होगा ये मुझे समझना है, ठीक है। जब आपका पोलराइजेशन की बात करते हैं हम लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें आपको दो तरह के चार्ज डेंसिटीज हैं, एक आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज डेंसिटीज प्रेजेंट होंगे,
क्या सिर्फ रो बी रहेगा यानी बॉन्ड वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज डेंसिटी रहेगा, या फिर सिर्फ सिग्मा बी रहेगा यानी सरफेस बॉन्ड चार्ज डेंसिटी होगा, या फिर दोनों होगा, बताओ। इस केस में इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो हम चार्ज निकालेंगे बेसिकली वो कौन सा चार्ज होगा, वहां पे सिग्मा बी होगा, रो बी होगा, या दोनों होगा? सर दोनों होगा। कैसे दोनों हो जाएगा बताओ? सर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है आई थिंक, इसलिए। अच्छा इसलिए भी, अच्छा ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? देखो आपका क्या, आप कहाँ पे है ये आपका जो हो गया आपका ये जो आप गॉसियन सरफेस बना रहे हो यहाँ पे आर रेडियस का, तो ये तो आपका मटेरियल के अंदर आपका आ रहा है सरफेस आप कहाँ पे, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ इधर के आपको होंगे ये रो भी आपको मिलेंगे, आपको क्या मतलब यहाँ पे रो भी मिलेंगे, लेकिन इसका इस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका एक एंड आपका आपका क्या है आपका, देखो ये आपका सरफेस आपका एक फ्री आपका एंड हो रहा है, आप ये अलग से आपका सरफेस हो रहा है, इधर कोई आपका मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आपका क्या होगा कहाँ पे सिग्मा बी आपका आएगा इस वाले सरफेस पर, क्या आपका होगा सिग्मा बी, है ना। तो अगर जो हम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मान लो कि ये भी पूरा भरा हुआ होता, मेरा ये होलो ना को पूरा भरा हुआ होता, तो इसके अंदर सिर्फ क्या आपका होता, सिर्फ और सिर्फ रो बी होता इसके अंदर, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रो बी मीन्स वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज डेंसिटी होता, यहाँ आपका सिग्मा बी नहीं आता आप कहाँ पे। लेकिन चूंकि इस गॉसियन सरफेस के पास एक मेरा क्या है फ्री सरफेस आपको हमें दिखाई दे रहा है, उस सरफेस में भी क्या आपको होंगे पोलराइज चार्ज जरूर आपको होंगे, रो बी और सिग्मा बी आपको दोनों होंगे आप कहाँ पे, ठीक है। चलो तो हमें ये निकालना होगा यहाँ पे, देखो तो क्लियरली जो चार्ज आपका हो जाएगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू रो बी एज वेल एज ड्यू टू सिग्मा बी, दोनों आपका आएगा आपका, ठीक है सिग्मा भी आपका दोनों आएगा। तो पहले इसको समझा बना लेते हैं हम लोग, उसका फिर एक और क्वेश्चन मैं अराइज करूंगा कि अगर ये आर जो होता कहीं बाहर के लिए बोलता तो फिर आप क्या क्या करते आप यहाँ पे, है ना, हम लोग भी समझेंगे आपका। हम लोग देखो तो क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे, देखो सिग्मा बी कितना आपका होता है माइनस ऑफ पी डॉट एन कैप, यही था ना आपका सिग्मा बी का रिजल्ट, माइनस ऑफ पी डॉट एन कैप, सॉरी माइनस नहीं था वहां पे, पी डॉट एन कैप आपका सिर्फ था वहां पे। एन कैप क्या आपका हो गया यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस आपका हो गया, एन कैप मेरा क्या हो गया यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। तो ये आपका जो सरफेस आपका यहाँ पे है वो क्या आपका इनर सरफेस है, तो इसका जो एन कैप आएगा वो किस तरफ आएगा अंदर की तरफ आएगा यहाँ पे, इसका एन कैप, इसका एन कैप क्या होगा अंदर की तरफ होगा। अगर इस वाले की बात करते इसका एन कैप किधर आएगा, इसका एन कैप बाहर की तरफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले सरफेस का एन कैप अंदर की तरफ, तो एन कैप जो आपका है यहाँ पे हियर एन कैप जो आपका है वो कितना आपका है माइनस आर कैप, माइनस आर कैप इनवर्ड डायरेक्शन में है आपका यहाँ पे माइनस आर कैप, ठीक है। सो देयरफॉर सिग्मा बी कितना हो गया, देखो लिखो यहाँ पे पी डॉट इतना, तो क्या आपका जाएगा माइनस के बाय आर आपका आ जाएगा, सिर्फ माइनस के बाय आर हो गया, ठीक है। एंड इसको देखो रो बी क्या आपका है डाइवर्जेंस ऑफ पी, माइनस के साथ आपका यहाँ पे है डाइवर्जेंस ऑफ पी, ठीक है। अब ये पी आपका जो है स्फेरिकल सिस्टम में दे रखा है, तो डाइवर्जेंस आप क्या लगाएंगे स्फेरिकल सिस्टम में आप लगाएंगे, तो 1/r² डेल बाय डेल आर, और फिर क्या आपका है आर स्क्वायर, और कितना पहुंच जाएगा के बाय आर हो गया आपका, सही है ये आपका हो गया डाइवर्जेंस ऑफ पी, सिर्फ आर कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे है, तो कितना आ रहा है देखो 1/r², और ये कितना पहुंच जाएगा सिर्फ के हो जाएगा, मुझे लगता है आपका के ये हाँ बस आपका हो गया, ये आपका हो गया रो बी और आपका हो गया माइनस, तो ये आपका हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपका हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ये आपका आ गया। ठीक है यहाँ तक सर, हाँ बोलो। इस स्फीयर की आउटर साइड पे भी
सिग्मा बी होगा? हाँ क्यों नहीं होगा आपका, यहाँ भी आपका होगा ना सिग्मा बी, जहां जहां आपका फ्री सरफेस दिखाया था वहां भी आपका सिग्मा बी होगा। सिग्मा बी यहाँ के लगा बोलोगे इस जगह पे सिग्मा बी कितना है, तब क्या बोलोगे यहाँ पे इसके लिए क्या लोगे, आर इक्वल टू ए पुट कर दोगे, आपका इधर का सिग्मा बी निकल गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और इस सरफेस की अगर बात करोगे इसका एन कैप पहले लिख लो आप यहाँ पे ऐसा, और इसके लिए क्या पुट कर दोगे, आर इक्वल टू बी पुट कर दोगे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इस सरफेस का सिग्मा बी निकल गया आपका, ठीक है। ओके सर, हाँ चलो, तो ये दो हमने निकाल लिया, सिग्मा बी रो भी निकाल लिया हम यहाँ पे। सो देयरफॉर नेट चार्ज हम लोग निकालते हैं, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, क्यू एनक्लोज्ड कितना का हो जाएगा, सिग्मा बी और इसका एरिया कितना का हो गया, 4 pi ए स्क्वायर इसका रेडियस हो गया, सिग्मा भी हम कहाँ पे लिखेंगे, सिग्मा बी एट आर इक्वल टू ए लिखेंगे, और इनटू क्या का हो गया, 4 pi ए स्क्वायर, क्योंकि आपका ये सॉरी हाँ नहीं ठीक है ठीक है ना। ये एक मिनट, ठीक है, और प्लस ये आपका वॉल्यूम वाला देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रोबी और कितना का होगा यहाँ पे आपका डी भी, इसको आप इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम में, कहाँ से कहाँ वॉल्यूम का हो गया, यहाँ से आपका वॉल्यूम आपका हो गया। ये मैंने ऐसा क्यों करते सीधे सीधे, क्योंकि ये सिग्मा बी एट आर इज इक्वल टू ए आपको क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, तो आपको ये सिग्मा बी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट हो गया तो सरफेस एरिया इंटू टोटल एरिया मेरा क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया इस वाले सरफेस पे। चाहो तो आप इसको इंडिकेट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कैसे इंडिकेट करोगे, तो सिग्मा बी इंटू क्या हो गया, डी एस ओवर द सरफेस एस, आपका ये सेम आपका आएगा रिजल्ट। और फिर क्या पुट कर दोगे, आर इक्वल टू ए पुट कर दोगे आप इसमें फाइनली, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये कितना आपका आ गया देखो, माइनस के बाय ए और 4 pi ए स्क्वायर ये हो गया, प्लस रो बी, तो देखो ये भी आपका माइनस में आया है, तो माइनस के बाय आर स्क्वायर और डी भी कितना हो गया, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और कितना का हो गया डी फाई, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो तरीके से, तो ओवर द वॉल्यूम भी, तो देखो ये माइनस के आपका हो गया 4 pi ए और माइनस के आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, सो बचा सिर्फ कितना कहाँ पे डी आर, और आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो ए इसका यहाँ से आपका वॉल्यूम कहाँ से चार्ज का हो रहा है, ए से लेकर के आर तक हो गया, और फिर साइन थीटा तो आपका थीटा आपका हो गया 0 to π और साइन थीटा डी थीटा और आपका हो गया डी फाई आपका हो गया 0 to हो गया 2 pi आपका हो गया, ठीक है। तो क्यू इनसाइड कितना आ रहा है देखो, माइनस 4 pi के इंटू ए माइनस के, और ये भी आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आर माइनस ए और आपका हो जाएगा 4 pi, तो माइनस 4 pi के और आर इंटू ए, तो देखो मुझे लगता है कुछ कैंसिल हो जाएगा कहाँ पे, तो माइनस 4 pi के अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तब हो जाएगा ए और प्लस आर माइनस ए, तो क्यू इनसाइड जो आपका हो गया वो कितना आपका हो गया तो माइनस 4 pi के आर, इतना चार्ज क्या है इसके अंदर इनक्लोज्ड है आपका माइनस 4 pi के आर, आर हो गया कोई भी डिस्टेंस आर जो हम ले रहे हैं वो आपका आर हो गया, ठीक है। तो बस हो गया, सो देयरफॉर फ्रॉम गॉसस लॉ आपका क्या हो जाएगा ए इंटू 4 pi आर स्क्वायर और इधर पर हो जाएंगे माइनस 4 pi के आर बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया, वैल्यूज पुट कर लो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा आंसर आ गया, सो ई इज इक्वल टू 4 pi 4 pi कैंसिल हो गया माइनस के बाय एप्सिलॉन आर और आर कैप, ये आ जाएगा आंसर।
बी नंबर, देखो ए और बी दोनों सेम है, आपको सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस था आपका। ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ हो गया। चलो अब इसी में देखो एक दूसरा क्या समझ लेते हैं यहाँ पे, कि इफ आर जो मेरा होता अगर वो बी से बड़ा होता, बी से बड़ा मीन्स ये आउटर कहीं पे बाहर में आपका होता, आपका ये आपका स्क्वायर हो गया ए रेडियस का, फिर आपका ये हो गया बी रेडियस का हो गया, और आपका जो पॉइंट होता आपका पॉइंट आपका ये आपका हो गया आर डिस्टेंस, आपका ये पॉइंट आपका हो गया आर डिस्टेंस पे, आपका हो गया ए या हो गया बी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा चार्ज हमारा इंक्लूड होता है उसमें, मुझे बेसिकली ये जानना है। ठीक है, सो इन दिस केस जो आपका हो जाता क्यू एनक्लोज्ड जो आपका होता, क्या आपका होता सिग्मा बी, ठीक है, इनटू क्या आपका होता फोर पाई, या आपका होता ए स्क्वायर एट सरफेस आर इक्वल टू ए पे हो जाता, प्लस एक आपका होता है सिग्मा बी, ये अलग आता आपका यहाँ पे सिग्मा बी, हलो निकाल लेते हैं यहाँ से सिग्मा बी डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इनटू कितना होता फोर पाई बी स्क्वायर एट सरफेस बी, और प्लस एक आपका होता रो बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे डी भी ओवर दी वॉल्यूम भी, ये आपका इतना हो जाता यहाँ पे। तो अगर ये आउटर पॉइंट के लिए लिया जाता कहीं पे, तो उसके लिए आपके पास तीन चार्ज होते हैं, आपके पास ये इनर सरफेस पे, एक आउटर सरफेस पे, और बाकी तीसरा आपका इसके वॉल्यूम में जो आपका चार्ज पोलराइज हुआ था वो वाला चार्ज हम लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लेना, देखो क्या आएगा आपका यहाँ पे सिग्मा बी डैश कितना आएगा, सिग्मा बी डैश जो आपका आएगा तो कैसे लिखोगे ना पी डॉट एन कैप। तो जब हम लोग इस सर्फेस की बात करेंगे, आउटर सर्फेस की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि एन कैप जो आपका हो जाएगा वो सिंपली क्या आपका हो जाएगा आर कैप हो जाएगा, तो इसके में सिग्मा बी डैश जो आपका हो जाएगा ये कितना आपका हो जाएगा के बाय आर सिर्फ होगा, वो माइनस के बाय आर था, ये क्या हो गया प्लस के बाय आर हो गया आपका ये सिग्मा बी डैश। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में भेजा, थोड़ा लंबा है, उसको बनाएंगे आप लोग, आपके ग्रुप में भेजता हूं। देखो देखो ये क्वेश्चन ए सिलिंड्रिकल रड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर मेड अप ऑफ अन इनहोमोजीनियस डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस अलोंग द जेड डायरेक्शन, ठीक है, विथ वन एंड एट द ओरिजिन। If the rod carries a polarization P is equal to 5Z square plus 7 K cap, the volume bond charge inside the dielectric is, the volume bond charge inside the dielectric is. चलो एक आपको वर्ड मिलेगा, एक होता है आपका लीनियर डायलेक्ट्रिक, एक आपका होता है नॉन लीनियर डायलेक्ट्रिक, एक आपका हो गया आपका होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक, एक आपका हो गया इन होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक, ऐसे ऐसे आपको वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक भी होता है आपका, यहाँ पे आइसोट्रॉपिक भी आपका हो गया, तो लीनियर और नॉन लीनियर में आपको देखो बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, एक आपको जो जो वर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे आगे में, मान लो आपका एक हो गया लीनियर डायलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आपका पोलराइजेशन होगा वो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू क्या आपका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है, लीनियर डायलेक्ट्रिक, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्या, नॉन लीनियर डायलेक्ट्रिक, नॉन लीनियर डायलेक्ट्रिक। तो इसमें आपका जो होता है पोलराइजेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो कुछ और भी फैक्टर्स पर क्या आपका होता है डिपेंड करता है, ठीक है। मे बी कुछ डिस्टेंस हो सकता है, कुछ और भी आपका हो सकता है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, कहाँ पे होता है उसको नॉन लीनियर डायलेक्ट्रिक बोलते हैं। और उसका खैर अभी हम लोग को स्टडी नहीं करना है, हम लोगों को उसके बाद डिटेल्स नहीं जानना, हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो हम बना लेंगे, या आपको एक रिलेशन मान लो दिया हुआ रहेगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को आगे। उसके बाद आपका होमोजीनियस आपका होता है, होमोजीनियस डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर पोलराइजेशन जो है एक गिवन डायरेक्शन में अगर सेम होता है तो बोलते हैं होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक, चेंज नहीं कर रहा आपका, ठीक है। और इन होमोजीनियस मतलब क्या हो गया कि जो आपका पोलराइजेशन है किसी एक खास डायरेक्शन में जाने पे क्या आपका हो रहा है, चेंज करते जा रहा है, तो बोलते हैं लोग इन होमोजीनियस, ठीक है। पोलराइजेशन आपका चेंज कर रहा है, जैसे इस वाले केस में क्या आपका है, इस एग्जांपल में क्या आपका है कि आपका एक सिलेंडर है कहाँ पे है, जिसका एक एंड कहाँ पे आपका रखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे, और इसका जो आपका एक्सिस है वो क्या आपका कहाँ पे है, जेड की तरफ आप कहाँ पे है, आपका जेड इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है, इसका लेंथ कितना आपका हो गया एल, इसका पूरा लेंथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो पोलराइजेशन आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5z² प्लस 7 और क्या आपका है ये के टैप, ये इसका क्या हो गया पोलराइजेशन आपका हो गया। तो जेड की तरफ हम जब जा रहे हैं तो आपका पोलराइजेशन क्या आपका हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो किसी एक लाइन की तरफ या किसी एक डायरेक्शन अगर हम जाएं और पोलराइजेशन मेरा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं इनहोमोजीनियस, ठीक है। और चेंज ना हो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब होता है क्या, इफ डज नॉट चेंज अलोंग ए पार्टिकुलर लाइन, अलोंग ए पार्टिकुलर लाइन, तो बोलते हैं होमोजीनियस। ऐसे आपका वर्ड आपका होता है आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करें ऐसे किसी एक लाइन की तरफ जाए ना चेंज हो तो होमोजीनियस, अगर हम ऐसे जाते हैं रोटेट करते हैं हम लोग और ना चेंज हो तो आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और अगर ऐसे रोटेट करने पर आपका वो चेंज हो रहा है उसमें बोलते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आपको हैं मिलते रहते हैं। चलो जल्दी से बता दो, क्या बताना है मुझे, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज इनसाइड द डायलेक्ट्रिक आपको बताना है। आपको पी दे रखा है, रो भी निकालना है आपको यहाँ पे, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज क्या आपका होगा, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी हो गया है ना। और क्योंकि आपका पोलराइजेशन क्या आपका है, इसको मैं आपको दे रखा है, सिलिंड्रिकल सिस्टम आपको दे रखा है, इसमें क्या आपका होता है रो फाई और क्या आपका होता है जेड, लेकिन जो आपका पोलराइजेशन है वो सिर्फ जेड डिपेंडेंट है, इसमें आपका रो और फाई का कोई भी रोल इसमें नहीं है। तो हम जब डाइवर्जेंस लेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे, सिर्फ इसका जेड कॉम्पोनेंट लेंगे, सिलिंड्रिकल सिस्टम में डाइवर्जेंस का जेड कॉम्पोनेंट, जो सिंपली कितना होता है डेल बाय डेल जेड होता है। डाइवर्जेंस का जेड कॉम्पोनेंट इन सिलिंड्रिकल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कितना होता है डेल बाय डेल जेड होता है। तो आपका जो रो भी आ गया आपका यहाँ पे कितना पा गया देखो, माइनस फाइव जेड, ये आपका बॉन्ड चार्ज डेंसिटी आ गया। लेकिन आपको बॉन्ड चार्ज डेंसिटी नहीं बताना था आपको, यहाँ पे द वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज आपको बताना है, कितना उस वॉल्यूम में चार्ज बॉन्डेड है आपका यहाँ पे, पोलराइज्ड है, आपको ये बताना है। तो क्यू बी आपको बताना था आप कहाँ पे, तो क्या करोगे आप कहाँ पे, रो बी और डी बी ओवर दी वॉल्यूम भी। अब आप देखो बताओ कि रो बी तो आपको मिल गया है आपको माइनस टेन जेड, और ये जो आपका डी बी होता है सिलिंड्रिकल सिस्टम में स्मॉल वॉल्यूम कितना आपका होता है, तो रो डी रो डी फाई और क्या आपका होता है डी जेड, या आर बोले वहां पे आर डी आर डी फाई डी जेड आपका हो गया, ठीक है। इसका रेडियस वगैरह दिया हुआ है, हाँ रेडियस आपको आर दिया हुआ था अपने, रेडियस इसका रेडियस कितना आपका है आर है आपका यहाँ पे, इसको आप इंडिकेट कर दो कहाँ से कहाँ पर, जीरो से आर हो गया, हाई आपको पता है जीरो से कितना हो गया टू पाई हो गया, और जेड पता आपको जीरो से कितना आपका हो गया एल हो गया, लेंथ आपको इतना दिया हुआ है, सॉल्व कर लो देखो क्या आपका आता है, माइनस फाइव पाई स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसा कुछ आया क्या, हाई पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर
देखो आ रहा है सब? आ गया यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। आगे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग फिर प्रॉब्लम में फिर से आएंगे हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं गॉसस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स। गॉसस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स, ठीक है। देखो गॉस लॉ मेरा क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, आपका हो गया, ये हो गया आपका रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, हियर रो जो आपका रहेगा वो दो तरह का चार्ज डेंसिटी आपका होगा, एक हम बोलेंगे रो बी इट इज द वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज डेंसिटी, और एक हम बोल रहे हैं रो एफ, ठीक है। रो भी हमें पता है ये क्या आपका है, वॉल्यूम बॉन्ड चार्ज डेंसिटी आपका हो गया, बॉन्ड चार्ज डेंसिटी हो गया, और ये आपका हो गया वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये रो भी का मतलब क्या हो गया, सॉरी रो एफ का मतलब क्या हो गया कि उस बॉडी पे जो आपने चार्ज अलग से दिया हुआ है, ठीक है। मान लो इसी बॉडी में मैंने क्या किया, चार्ज अपने से प्लेस कर दिया है, 10 कूलम प्लेस कर दिया है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री चार्ज बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने की वजह से उसमें जो पोलराइजेशन हुए और उस पोलराइजेशन की वजह से आपका जो चार्ज जनरेट हुआ होगा आपका क्या हो गया, रो बी आपका हो गया, ठीक है। तो रो बी जो पोलराइजेशन आपको आ रहे हैं चार्ज, और रो एफ क्या आपका है जो आपने उसमें दे रखा है। अगर मैं इसमें बोलूं कि इसमें रो एफ कितना है, इस वाले एग्जांपल में रो एफ कितना पहुंच जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें हमने कोई भी चार्ज दिया नहीं था, जितने भी चार्ज थे सारे के सारे क्या चार्ज था कहाँ पे, पोलराइजेशन की वजह से आपको चार्ज जनरेट हुए था वहां पे, ठीक है। तो ये तो विच इज गिवन टू बॉडी बाय अस, ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे समझने के लिए आपको, यहाँ पे आपको हो गया रो एफ, इसको हम बोल रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो आपका हो गया, आपका हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू आपका हो गया रो बी प्लस आपका हो गया रो एफ डिवाइडेड क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैं यहाँ पे लिख दूं एप्सिलॉन नॉट, आपका ऐसा आ गया, सही है। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका एप्सिलॉन नॉट क्या आपका है कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, रो बी का मुझे पता है कितना होता है, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी आपका होता है, और रो एफ जो आपका हो जाएगा वो आपका रो एफ आपका यहाँ पर रहेगा रो एफ कैसा रहेगा, ठीक है, आपका रो एफ हो गया। चलो इसको आप इधर ले आओ, ये क्या है डाइवर्जेंस, यहाँ पे क्या आपका डाइवर्जेंस है, दोनों को मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस कितना आपका हो गया पी, ये आपका हो गया, और ये कितना बचेगा कहाँ पे रो एफ आपका हो गया, ये आपका हो गया गॉसस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स, या फिर इसी को हम लिखते हैं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आपका हो गया रो एफ आपका हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू आपका हो गया रो एफ, और डी हम लोग मानते हैं कि इसको वहां पे एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को हम लोगों ने क्या मान लिया है डी, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। D इज इक्वल टू आपका हो गया एप्सिलॉन ई प्लस पी, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसी से आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपका आता है जब हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ते हैं,
तो वहां पे इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा। वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या करता है, आपका वहां पे जो चार्ज में डिसकंटिन्यूटी होती है या फिर जो करंट में डिसकंटिन्यूटी होती है उसको क्या करता है, वो कंटिन्यूअस बनाता है। इसका एक मैथमेटिकल पर्पस आपका पे है, इसका कोई फिजिकल पर्पस नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपका कॉन्सेप्ट था कहाँ पे, ये आया था जब मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस करा था। और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने क्या किया था, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा बदल दिया था उन्होंने। तो आपका ये इंपॉर्टेंट आपका है डी, ठीक है, आपका हो गया। तो यही मेरा क्या है, गॉसस लॉ इन डायलेक्ट्रिक, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। अब देखो यहाँ पे एक बात आपका यहाँ पे हो गया कि ई जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ रहा है उस मटेरियल के अंदर या बाहर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे है, ये आपका दोनों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बोथ, बोथ मतलब बॉन्ड एज वेल एज फ्री चार्जेस, ठीक है। आपका पी पोटेशियम का जो है वो सिर्फ डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन बॉन्ड, बॉन्ड चार्जेस, उसको फ्री चार्ज के कोई मतलब नहीं है। और आपका जो डी होता है वो आपका होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन, ओनली ऑन फ्री चार्जेस, बॉन्ड चार्जेस कोई मतलब नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी कितना आपका है, रो एफ, रो एफ क्या आपका है, फ्री चार्जेस आपका हो गया। एंड सो देयरफॉर इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं कि डॉट डी डॉट एन कैप डी एस ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया कहाँ पे, ये क्यू एफ हो गया फ्री चार्ज, ठीक है। ये आपका हो गया गॉसस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म इन डायलेक्ट्रिक, और ये आपका हो गया गॉसस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म इन डायलेक्ट्रिक, ठीक है। ये आपका हो गया गॉसस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, इन इंटीग्रल फॉर्म इन डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक, और आपका हो गया डिफरेंशियल फॉर्म आपका हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलो ऑल्सो और भी आपका रिलेशन है, वो ड्राइव नहीं कर रहे उसको। पे डी और ई में आपका जो रिलेशन आपका होता है आपका होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, और क्या आपका होता है ई आपका होता है। और एप्सिलॉन आर जब आपका हो गया, ये आपका हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, जब कट नहीं रहा है ना आपका, हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसी बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एक आपका रिलेशन होता है पी आपका जो होता है एप्सिलॉन नॉट जाई ई, और क्या आपका होता है ई, या फिर बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एप्सिलॉन आर, और आपका होता है ई आपका आता है, जाई क्या आपका है ससेप्टिबिलिटी आपका होता है, ससेप्टिबिलिटी। तो बीएससी में आपने ये चीजें ड्राइव कर रखी होंगी, हम लोग इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं अभी, इसे हम न्यूमेरिकल्स पे सीधे सीधे आएंगे इसके, हम लोग की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया ना आप लोगों ने, चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए लाइन चार्ज लैम्डा, कैरिंग ए लाइन चार्ज लैम्डा इज सराउंडेड बाय रबर इंसुलेशन अप टू रेडियस ए, स्मॉल ए, रबर इंसुलेशन मतलब का ये क्या पे है कि डायलेक्ट्रिक आप कहाँ पे है, ऑफ रेडियस अप टू रेडियस ए,
लिस्ट ऑफ फाइंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड द रबर इंसुलेशन, इनसाइड एंड आउटसाइड द रबर इंसुलेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए लाइन चार्ज इज सराउंडेड बाय ए रबर इंसुलेशन। ठीक है, आपका एक कोई एक लाइन चार्ज हो गया इस तरीके से, इसमें चार्ज डेंसिटी जो आपको दे रखा है कितना आपको दे रखा है, लेमडा आपको दे रखा है, इसको आपने क्या कर रखा है अप टू रेडियस ए तक आपने इंसुलेशन कर रखा है आपने यहाँ पे। जैसे आपका करंट का जो वायर होता है आपका, उसमें आपका क्या है, अंदर में आपका वायर है और उसके बाहर में क्या आपका है, प्लास्टिक का आपका इंसुलेटर लगा हुआ आपका होता है, ताकि उसको मसाने से क्या कर पाए, छू पाए, हमें करंट ना लगे। वही आपका सेम केस आपका हो गया, अंदर से आपका वायर गुजर रहा है, बाहर से उसको प्लास्टिक कर रखा है। ठीक है, अप टू रेडियस ए तक आपका रेडियस ए आपका हो गया है ना। मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है मुझे इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आपका है वो दोनों पे डिपेंड करता है, बॉन्ड चार्ज एज वेल एज फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो डी होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है, फ्री चार्ज पे मतलब आपके पास जो पहले से है उस चार्ज पे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है आपको कि हम पहले डी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वायर पे कितना चार्ज, मुझे पता है तो मैं पहले क्या निकाल लूंगा, डी निकाल लूंगा। अब डी निकालने के बाद मैं क्या कर लूंगा, यहां से इस रिलेशन से मैं क्या कर लूंगा, ई निकाल लूंगा। तो डी पता चल गया मतलब मुझे ई भी पता चल गया यहां से। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या आपका होता है कि फर्स्ट आप सबसे पहले डी फाइन कर लें, उसको फाइन करने में मुझे कोई टेंशन नहीं है कि उसमें पोलराइजेशन कैसा हो रहा है, उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। बॉन्ड चार्ज कितना है, सरफेस पे कितना है, अंदर बाहर कितना है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ फ्री चार्ज कितना है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है मुझे होता है। ठीक है, और एक बार आपको डी मिल गया, आपको क्या मिल जाएगा, आपको ई भी मिल जाएगा आपको। ओके, चलो तो आप क्या करो यहाँ पे कि फर्स्ट फाइंड डी एंड देन यूज डी इज इक्वल टू, मेरे पास रिलेशन है क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आयन आर टू फाइंड ई। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो हम लोग केस वन में लेते हैं इनसाइड, इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा मुझे जानना है। तब आप क्या करो यहाँ पे, कोई भी आपका ये पॉइंट आर ने ले लिया, अब हम लोग क्या कर लें, एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेते हैं यहाँ पे, हम लोग किस शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का ही बना लेते हैं हम लोग, सिलिंड्रिकल शेप का हमने बना लिया, कितना रेडियस का हमने बना लिया, एल आर रेडियस का बना लिया और एल लेंथ का हमने बना लिया। ये मेरा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया, मेरा गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, तो आपका जो हो गया नेट चार्ज, नेट फ्री चार्ज मैं बोलूंगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, डी डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्री चार्ज हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फ्री चार्ज कहाँ से कहाँ, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना लेंथ है, एल लेंथ है, इसमें चार्ज कितना आपका है, लेमडा है, तो यहां से यहां तक में कितना चार्ज होगा कहां पे, लेमडा इंटू एल आपका ये चार्ज होगा कहां पे। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका जो डी डॉट डी एस हो गया, अब आप क्या करोगे यहां पे आपका डी, और डी आपका जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में आपका होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के
पैरेलल में आपका होगा होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए फिर बोलते हैं सर लीनियर मीडियम बोलते हैं लीनियर मीडियम ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो का डी वेक्टर कहाँ पे दोनों क्या होंगे सेम आपको होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे ठीक है। और जो आपका नॉन लीनियर मीडियम आपका होता है वहाँ क्या आपका होता है इलेक्ट्रिक और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होंगे वो पैरेलल नहीं होते हैं क्यों क्योंकि वहाँ का जो परमिटिविटी होता है वो क्या आपका होता है डायरेक्शन वाइज चेंज करने लगता है। और वैसे प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग टेंसर कॉन्सेप्ट वहाँ लोग क्या करते हैं टेंसर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम यहाँ पे ठीक है। तो हालांकि आपके जैम के लिए अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे मानेंगे कि वो जो परमिटिविटी है वो कॉन्स्टेंट है आपका पूरे मीडियम में क्या आपका है कॉन्स्टेंट है आपका ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होगा कैसा आपका होगा इधर का होगा डी वेक्टर क्या होगा इधर आपका होगा। तो सिलेंडर में बस दो तरह का सरफेस होता है एक आपका फ्लैट सरफेस आपका ऐसा हो गया ये वाला आपका हो गया और एक आपका कर्व सरफेस आपका हो गया। तो डी डॉट डीएस जब करोगे तो डी डॉट डीएस फ्लैट वाले से कितना आपका हो जाएगा जीरो क्योंकि इनका डीएस क्या होगा इधर आपका डीएस होगा इसका क्या आपका इधर आपका डीएस होगा और डी क्या होगा इधर आपका डी आपका ऐसा आपका हो गया डी आपका ऐसा हो गया 90 डिग्री आपका हो गया। तो फ्लैट सर्फेस के लिए डी डॉट डीएस आपका जीरो हो गया तो डी डॉट डीएस बचा किसके लिए यहाँ पे कर्व सर्फेस के लिए आपका बच गया आपका यहाँ पे ठीक है। और चूंकि कर्व सरफेस जो है सिमेट्रिकली आप कहाँ पे है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपका सेम डिस्टेंस पे है तो आपका ये जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा सेम रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर आपका आ जाएगा। और डीएस कितना का हो जाएगा कितना का होता है एरिया कर्व एरिया कितना होता है आपका 2πr इंटू कितना का होता है एल होता है या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं डी डी और कितना हो गया रो डी फाई डी जेड ये होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया रो डी फाई डी जेड ठीक है ये आपका ऐसा हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो जैसे आप निकालना चाहें वैसे आप निकाल सकते हैं ठीक है। और इज इक्वल टू इधर कितना हो गया लेमडा इंटू एल एल कैंसिल हो गया तो डी कितना गया देखो लेमडा बाय 2πr आपका ये एल आ गया ठीक है लेमडा बाय 2πr। और जो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या आपको आ जाएगा आर कैट उसी के डायरेक्शन का होगा रेडियली आउटवर्ड के डायरेक्शन आपका हो जाएगा ठीक है। अब जब D आ गया आपका तो अब आप क्या निकालेंगे सो देयरफॉर E इज इक्वल टू सिंस D इज इक्वल टू आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और यह हो गया E ठीक है। और एक आपको पता होगा एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आपका होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिवाइडेड एप्सिलॉन आपका ऐसा होता है ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो डी इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन इंटू ई ठीक है। तो दोनों आप रिजल्ट ध्यान देना इसमें एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर आपका यहाँ पे है रिलेटिव परमिटिविटी और इसमें क्या आपका एप्सिलॉन क्या हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया आपका सिर्फ यहाँ पे ठीक है। सो E इज इक्वल टू आपका हो गया देखो ये लेमडा बाय 2πε एप्सिलॉन और कितना का हो गया R और आपका हो गया R कैप आपका E भी आ गया आपका इनसाइड में ठीक है। या फिर इसी को अगर लिखना चाहेंगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा यहां तक लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 2πε एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और R और क्या हो गया R कैप हो गया आपका यहाँ पे। तो चाहते ये आपका दोनों आपका सेम आपका रिजल्ट है ठीक है। जब हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे
ये आपका रबर इंसुलेशन आपका हो गया ए रेडियस तक, और मेरा पॉइंट क्या आपका है पी आपका यहाँ पे है। हम लोग क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्राइव करेंगे, हम लोग गॉसियन सरफेस ये आपका हो गया एल लेंथ का, तो मेरा डी तो वही आने वाला है क्योंकि आपका ये जो चार्ज है वो तो चेंज नहीं हुआ आपका यहाँ पे, तो डी मेरा वही आने वाला है लेमडा बाय टू पाई आर और आर कैप आपका ये बन गया आपका पी। ठीक है इतना हो गया आपका। क्या बदलेगा d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, और वी नो हमें पता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आपकी होती है फॉर एयर, क्योंकि आउटसाइड की हम बात कर रहे हैं तो आउटसाइड में क्या आपका हो गया एयर हो गया, और एयर के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपका होता है कितना आपका होता है वन होता है, तो e इज इक्वल टू आपका क्या आ गया सिर्फ लेमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट और आर कैप, ये आपका हो गया आउटसाइड पॉइंट। सर सर यहाँ एयर के साथ साथ अंदर इंसुलेटेड मीडियम भी तो आ ही रहा है, तो हम वन ले सकते हैं ऐसे में? हम लोग जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम उसके लिए बोलते हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे जो भी पोलराइजेशंस हो रहे हैं जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ कहाँ पे इंक्लूड होगा, वहाँ पे डी में आपका इंक्लूड आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये तो हमें सिर्फ किस पॉइंट हम ले रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ आपका बाहर आपका यहाँ पे बाहर क्या आपका एयर का मीडियम कहाँ पे है। ठीक है, हम लोग कितना ले लिए इतना हम लोग ले लिए। ओके वो जितने आप सोच रहे हैं पोलराइजेशन हो रहा है चाहे कुछ और हो रहा है वो सब इफेक्ट आपका क्या हो गया इसमें काउंट हो चुका है ऑलरेडी आपका यहाँ पे, जो हम यहाँ पे डी लिख रहे थे वहाँ आपका हम लोग देखो इसमें क्या आपका डी में क्या आपके पास है एप्सिलॉन ई प्लस क्या आपका है पी भी आपके पास है उसमें है ना डी में, तो डी आपका इटसेल्फ क्या कर रहा है इंक्लूड कर रहा है उस फैक्टर को कि वहाँ पे क्या क्या पोलराइजेशन हो रहे हैं क्या हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं सब कुछ आपका ये डी फैक्टर में इंक्लूड आपका हो चुका है ऑलरेडी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लोग ऐसे ही। हाँ पी और ई में मैंने रिलेशन लिख दिया है ना, अच्छा ये रिलेशन थोड़ा सा गलत हो गया इसको करेक्ट कर लो। पी और ई वाला जो आपका रिलेशन है वन माइनस ई आर नहीं होता आपका, ये आपका होता है ई आर माइनस वन आपका होता है एप्सिलॉन आर माइनस वन। ठीक है इसमें करेक्शन कर लो एप्सिलॉन आर माइनस वन। चलो एक क्वेश्चन लिखो या फिर मैं उसको भेज देता हूँ फोटो करके। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलता है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए बॉल मेड ऑफ यूनिफॉर्म आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक विथ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आपको दे रखा है।
रिलेटिव परमिटिविटी, देखना कभी ध्यान देना, कभी लिखेगा मीडियम विथ परमिटिविटी, ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहा है, एप्सिलॉन की बात कर रहा है, और कभी लिखता है मीडियम विथ रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब किसकी बात कर रहा है, एप्सिलॉन आर की बात कर रहा है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना, कि कौन सा दिया हुआ आप कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा हुआ है विथ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है, फाइंड द पोलराइजेशन पी एज अ फंक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द चार्ज क्यू बी इन साइड ए स्फीयर उस रेडियस इज लेस देन द रेडियस ऑफ ए बॉल, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में क्या आपको है, पहले समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका कोई एक बॉल है, उसके सेंटर पे आपने एक चार्ज क्यू रख दिया है, और उस बॉल का जो भी मीडियम है, जो भी मटेरियल है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है आपको। आपको बताना है कि उसके अंदर जो पोलराइजेशन हो रहे हैं P वेक्टर क्या होगा, आपको ये निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है कि उसके अंदर कितना चार्ज डेंसिटी होगा, बॉन्डेड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखो हम लोग ऐसा आपका हो गया, सपोज कि आपका ये बॉल हो गया आपका ऐसा, इसके सेंटर पे आपने क्या कर रखा है, चार्ज क्यू रखा हुआ है आपने यहाँ पे, ठीक है। बॉल का जो आपका मटेरियल हो सकता है आपका है आपका एप्सिलॉन आर को दे रखा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, इसमें क्या होंगे, पोलराइजेशन आपका होंगे, पोलराइजेशन आपका होगा, ठीक है। इसके जो डाइपोल्स हैं वो सब कुछ कुछ होंगे आपका यहाँ पे, पोलर नॉन पोलर हमने देखा था, जो भी आपका होगा। हमें क्या निकालना है, इसका पी निकालना है, और हमें निकालना है बॉन्ड चार्ज डेंसिटी भी मुझे निकालना है ना, एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है मुझे। अब देखो पी निकालने का मेरे पास डायरेक्ट तरीका नहीं था, है ना, कि पी हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पी हमको जब भी निकालने बोला जाए तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इन डायरेक्ट वे यूज करेंगे, मतलब पी निकालने लोग क्या निकालेंगे, पहले ई निकालेंगे, पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ई निकालेंगे। अब ई कैसे आपका आएगा, अगर ये फ्री मीडियम आपका होता तो हम क्या लिखते, ई इक्वल टू क्या लिखते हम लोग, सिंपली क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर इक्वल लिखते। लेकिन आपका ये मीडियम फ्री नहीं है, आपका ये मीडियम क्या आपका है, डायलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ई कैसे निकलेगा मैं यहाँ पे, तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे, है ना। तो पहले हम डी निकालेंगे, क्योंकि डी निकालना सबसे आसान है, क्योंकि डी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है। फ्री चार्ज मतलब वो चार्ज जो हमने बाहर से दे रखा है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे अगर बोलूँ कि इस पूरे मीडियम फ्री चार्ज किसको हम लेंगे, तो जो हमने ये क्यू सेंटर पे दे रखा हुआ मेरा क्या हो गया, फ्री चार्ज हो गया जो हमने दिया है, ठीक है। तो क्योंकि फ्री चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करता है, तो मैं डी सबसे आसानी से निकाल सकता हूँ, क्या पोलराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ फ्री चार्ज से मतलब है। मुझे यहाँ पे डी आ गया, मेरा ई आ जाएगा, ई आने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, पी भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्रोसीजर क्या होगा इसमें सॉल्व करने का, तो फर्स्ट आप पहले फाइंड करें पी, सॉरी फर्स्ट आप डी फाइंड करें, डी के बाद आप ई फाइंड करें, और ई के बाद आप क्या करेंगे, पी फाइंड करेंगे, और आपका जब पी आ जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा वहां पे, क्यू भी निकल जाएगा आसानी से, ठीक है, क्यू भी आपका निकल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ पी करके निकल जाएगा वहां पे, क्लियर। चलो तो देखो कोई भी हम लोग डिस्टेंस आर ले लेते हैं, हम लोग आर के टर्म मुझे करना है, आर के टर्म मुझे करना है। मैंने क्या कर लिया, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ऐसा बना लिया, मैंने यहाँ पे ये मैंने एक गॉसियन सरफेस बना लिया ऐसा, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस में मेरे पास जो हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे तो ई डी डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस इक्वल टू मेरे पास क्या है, क्यू एफ, यही है। ये तो आपका स्फेरिकल है कहाँ पे, ये आपका कितना आएगा कहाँ पे, डी इंटू क्या आपका आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू एफ जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ कितना आपका है, क्यू है, इसके अंदर फ्री चार्ज कितना आपका है, सिर्फ क्यू है आपका। तो डी देखो आपका बड़े आसानी से आपका आ गया 4 पाई, और कितना पा हो गया, आर स्क्वायर, और इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहोगे तो कितना पा हो गया, आर कैप हो गया आपका, यहाँ पे डी वेक्टर आर कैप आपका ऐसा हो गया, क्लियर है। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और क्या हो गया, ई हो गया। सो ई भी मेरे पास आ गया, कितना आ जाएगा देखो, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर ही आपको दे रखा है, हम लोग इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, आपको हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये भी क्या आपका हो गया, आर
टैप हो गया, ये मेरा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास आ गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास, सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू क्या है मेरे पास ई है, तो मेरे पास पोलराइजेशन वेक्टर भी आ गया। देखो एप्सिलॉन का कैंसिल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एप्सिलॉन आर माइनस वन, एप्सिलॉन आर माइनस वन बाय एप्सिलॉन आर आपका हो गया, और इंटू ये कितना हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या आपका हो गया आर कैप ऐसा हो गया। ये क्या आपका आ गया पोलराइजेशन वेक्टर भी आ गया आपके पास, ये आपका हो गया पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। और जब पोलराइजेशन वेक्टर आपका आ गया सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ बॉन्ड चार्ज जो आपका आ जाएगा QB कितना आपका हो जाएगा रो बी डी वी ओवर द वॉल्यूम भी, ये आपका हो गया आर रेडियस में कितना आपका बॉन्ड चार्ज में निकालना है। रो बी जो आपका हो जाएगा ये कितना आपका है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ क्या आपका हो गया P हो गया। अब आपका जो P है वो आपको स्फेरिकल सिस्टम आपको दे रखा है, अब क्या करोगे इसमें देखो ये आपका एप्सिलॉन आर माइनस वन बाय एप्सिलॉन आर और क्यू बाय फोर पाई, ये तो आपका हो गया बाहर कॉन्स्टेंट आप कहाँ पे हो गया, और इधर मैं माइनस भी लगा दूं और डाइवर्जेंस कितना का हो गया तो वन बाय आर स्क्वायर और डेल बाय डेल आर, और ये कितना का हो जाएगा अच्छा अच्छा एक मिनट डेल बाय डेल आर और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और फिर क्या आपका हो जाएगा वन बाय आर स्क्वायर, बता दो कितना आ रहा है रिजल्ट इसका जीरो आ गया। नहीं जीरो नहीं आएगा बता रहा हूं आप कहां पे फाइंड द एज वेल एज द चार्ज क्यू बी इनसाइड ए स्फीयर हुज रेडियस इज लेस देन द रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है। देखो एक मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पे ये एक गलत आपका हो गया, कैसे गलत होकर बताता हूँ आपको यहाँ पे, एक मैंने आपको समझाया था ऐसा कि स्ट्रेंज बिहेवियर बताया था आपको यहाँ पे स्ट्रेंज बिहेवियर बिहेवियर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आर कैप बाय आर स्क्वायर, या फिर इसको लिखेंगे आर वेक्टर बाय क्या होता है आर क्यू आपका होता है, ठीक है। ये मैंने बोला था डायरेक्ट डेल्टा का इसका कॉन्सेप्ट आता है, और यहाँ पे मैंने लिखा था आपको यहाँ पे ऐसा कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर और ओवर द वॉल्यूम डी वी ओवर द वॉल्यूम भी जो आपका आता है इसका आपका रिजल्ट आता है फोर पाई इफ जो आपका वॉल्यूम है वॉल्यूम एनक्लोजेस द ओरिजिन, ठीक है। और इसका रिजल्ट पूरे का आपका आता है जीरो इफ आपका वॉल्यूम जो आपका है या फिर जो आपका सरफेस है डज नॉट एनक्लोज क्या आपका ओरिजिन डज नॉट एनक्लोज ओरिजिन, ठीक है। ये आपका मैंने बोला था कि आप एक बार लेक्चर देखेंगे उसमें है शायद, या फिर नहीं है तो मुझे बताना मैं आपको अपलोड कर दूंगी वाला इसका पूरा का डिटेल डिस्कशन आपका कैसे आपका आता है डिटेल डिस्कशन आपका आधा एक घंटे का डिस्कशन आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये लेक्चर है अब उसको जरूर से देख के समझेंगे, और ये जहां भी आएगा आपको एकदम पूरा दिमाग में याद रखना है कि आर कैप बाय आर स्क्वायर का डाइवर्जेंस जब भी आपको दिखाई दे तुरंत आपको ये बात दिमाग में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया जीरो आपने कर दिया यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको जीरो कर देंगे आप यहाँ पे कर जाएगा आपका जीरो आ गया पूरा क्या कहना है जीरो कर देंगे आप यहाँ पे, तो आपका एक ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या रहेगा आपका जीरो ही रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका जीरो ही रहेगा आपका, आप ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे खुशी खुशी पता आपका गलत हो गया आपका वो है ना, तो ध्यान देंगे जहां भी आपको ये दिखाई दे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर देखो कहाँ पे है ना कहाँ पे आपको तुरंत ये बात स्ट्राइक करना चाहिए आप कहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्यू बी मैं यहाँ पे लिखूं मैं क्या लिखूं यहाँ पे रो बी में कितना लिखूं यहाँ पे माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी और क्या हो गया डी वी ओवर द वॉल्यूम भी,
और क्यू बी मेरा हो गया डाइवर्जेंस ऑफ पी, अब मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये सब मैं कॉमन कर लूँ, बाहर निकाल लूँ यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज हैं क्यूब एफ और पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास क्या बच गया डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय क्या हो गया आर स्क्वायर और ओवर द वॉल्यूम भी ये आपका आ गया, ठीक है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। सो क्यू बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन एप्सिलॉन आर क्यूब बाय कितना हो गया 4 पाई हो गया, ठीक है। अब इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो आपका होगा वो डिपेंड करेगा कि उस वॉल्यूम के अंदर आपका सेंटर ओरिजिन इंक्लोज्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो चार्ज क्यू है वो कहाँ पे आपका रखा हुआ है, उसके सेंटर पे रखा हुआ है, उसको हम क्या मान लेंगे उसको ओरिजिन मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं 0 0 मान के चल रहे हैं आप लोग, यहीं से हम क्या कर रहे हैं सारा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यही मेरा क्या हो गया इसका जो सेंटर वही मेरा क्या हो गया इसका ओरिजिन भी हो गया। तो ओरिजिन इनक्लोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि आपका ये पूरा वॉल्यूम क्या आपका सेंटर इनक्लोज कर रहा है यहाँ पे, देयरफॉर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आपका आ जाएगा। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता कि ओरिजिन या फिर सेंटर कहीं दूसरे जगह से है कुछ ऐसा होता आपका यहाँ पे आपको दिया जाता है वर्ड इसमें ऐसा, क्योंकि मुझे उन्हें ही पता होता है कि यहाँ मेरा क्या आने वाला है आर कैप आर स्क्वायर आने वाला है और इसके लिए मुझे चाहिए आपको ये बात मुझे चाहिए होगा कि ओरिजिन उसके अंदर है कि ओरिजिन उसके बाहर है ये बात मुझे जानना होगा। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कहीं ना कहीं आपको हिंट रहेगा कि ओरिजिन उसके अंदर है कि बाहर है, ठीक है। 4 पाई आपका कैंसिल हो गया तो 1 - εr / εr और क्यू आपका हो गया, ठीक है। इतना टोटल चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है। इसको आप याद रखेंगे हमेशा, है ना। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको जब हम लोगों का क्या दिया होता था पोटेंशियल दिया होता था, हम क्या निकालते थे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि जहां कहीं भी ऐसा आ जाए वहां पे आप ध्यान देना जरूर से। ठीक है, कुछ पूछना तो एक बार पूछो जल्दी से, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको आप मैं भेजता हूं आपके ग्रुप में। चलो इसको क्वेश्चन को देखो।
एक्सट्रानियस चार्ज आपका होता है, आपका उसका मतलब होता है कि बाहर से आपने क्या क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, सही मतलब होता है एक्सट्रानियस, यहाँ पे आपका वर्ड है। एक्सट्रानियस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए डायलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, विद वॉल्यूम डेंसिटी आपका रो है ना, जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसका डेंसिटी कितना आपका है रो है, आप कहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो आपको दे रखा है कितना आपका एप्सिलॉन आर है, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोले या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोले, है ना। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर बताना है, और बताना आपको द वॉल्यूम एंड सरफेस डेंसिटीज ऑफ द बॉन्ड चार्जेस एंड हेंस डिड्यूस द टोटल बॉन्ड चार्जेस इन द डायलेक्ट्रिक इज जीरो, अच्छा जीरो हो जाएगा ये बताना है आप वहां पे, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन आपका होगा तो जीरो ही रहेगा। चलो ठीक है, क्या करोगे फटाफट स्टार्ट करो। आपका कोई स्फीयर है, ऐसे ही आपका स्फीयर हो गया, आपने क्या कर रखा है एक्सट्रानियस जो आपका वर्ड है वो आपका मैंने बता दिया आपको, उसका मतलब होता है बाहर से आपने चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसका ही मतलब हो गया कि वो क्या आपका है फ्री चार्ज आप यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा था ऐसा फ्री चार्ज जानने के लिए। सिंपल भाषा में क्या आपका है कि आपने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इस स्फीयर में, उसकी डेंसिटी कितनी आपका है रो है, और ये कैसा आपका यहाँ पे है यूनिफॉर्म है, और ये क्या आपका है कि डायलेक्ट्रिक मीडियम आपका यहाँ पे है, इसका सेंटर आपका ऐसा हो गया, जब डायलेक्ट्रिक आपका यहाँ पे है तो इसमें कुछ पोलराइजेशन आपको होंगे ही होंगे, आपको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किसी भी डिस्टेंस ई पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी किसी भी डिस्टेंस आर पे आपको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और उसके साथ साथ आपको क्या बताना है वॉल्यूम एंड सरफेस बॉन्ड चार्ज आपको बतलाना है। कैसे निकालोगे, सबसे आसान तरीका क्या आपका है, पहले आप डी निकाल लो, डी निकल गया आपका ई निकल जाएगा, ई निकल जाएगा आपका पी निकल जाएगा, पी निकलने के बाद आपका क्या आ जाएगा फिर आपका वो सब जो भी आपका है रो बी सिग्मा बी जो भी आपका आ जाएगा वो आपको वो निकल जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट करो तो देखो क्या आता है, ई कितना आता है ये बताना हमसे जल्दी से, ई तो आप ये करेंगे डी डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस को भी आप एक बना लो, आप ये क्या हो गया गॉसियन सरफेस हो गया, चलो आप भी बनाते रहो मैं ये बना लेता हूँ जल्दी से, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक है, इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा क्यू एफ फ्री चार्ज, तो डी डॉट डी एस आपका डी एस वेक्टर क्या हो गया आपका इधर हो गया, ये तो आपको पता चल गया आपका यहाँ पे ये सेम काम आपका बार बार हो रहा है, d इंटू फोर पाई आर स्क्वायर हो गया आपका, और क्यू एफ कितना आपका हो जाएगा तो आपका जो है डेंसिटी कितना है रो और वॉल्यूम कितना हो गया फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी क्या आपका यूनिफॉर्म है तो सीधे सीधे डेंसिटी और वॉल्यूम कर दिया हमने यहाँ पे, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो d कितना आ गया देखो फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रो आर बाय थ्री बस इतना मुझे लगता है कि आएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या पाओगे ये आर कैप भी आप यहाँ पे लगा दो रो आर बाय थ्री आएगा बस, हाँ ठीक है। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, क्योंकि आपको एप्सिलॉन आर दे रखा था तो आपका ये एप्सिलॉन आर आपका हो गया, तो ई इज इक्वल टू आपका हो गया कितना रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्या पाओगे आर कैप,
ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किसके लिए आपका हो गया, फॉर आर लेस देन आर के लिए आपका हो गया, फॉर आर लेस देन आर के लिए आपका हो गया, और अगर आप बाहर के लिए बात करेंगे और r ग्रेटर देन r के लिए अगर आप बात करते हैं तो d तो क्या आपका बदलेगा आपका यहाँ पे d इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये आपका हो गया, और इधर क्या आपका हो जाएगा रो इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये बदलेगा कहाँ पे कैपिटल r आपका आ जाएगा बाहर के लिए, सो d इज इक्वल टू आपका आ गया, देखो कितना आ जाएगा रो और फोर पाई फोर कैंसिल आर क्यूब और थ्री आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा, ये इतना हो गया ठीक है। एंड ई जो हो गया आपका यहाँ पे सो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो गया ई हो गया, और चूंकि हम लोग ये आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया वन, क्योंकि आउटसाइड में क्या आपका है एयर आपका प्रेजेंट है उसका जो डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट होता है कितना आपका हम लोग मान के चलते हैं वन लेकर के चलते हैं, तो ई इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना आपका आ जाएगा रो आर क्यूब, रो आर क्यूब डिवाइड बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया आर स्क्वायर और आर वेक्टर, तो ये आपका डी और ई दोनों हमने निकाल लिया ई इनसाइड और आउटसाइड के लिए, हालांकि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बॉन्ड चार्ज डेंसिटी को निकालना है, बॉन्ड चार्ज में क्या आपका आ जाएगा वॉल्यूम भी आ जाएगा और सरफेस भी आ जाएगा दोनों आपका आ जाएगा। सो सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है P इज इक्वल टू मेरे पास है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस ई, सो अगर हम इनसाइड ये तो आपका इनसाइड ही रहेगा कहाँ पे क्योंकि बाहर में तो पॉलेशन हो नहीं रहा कहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लेंगे सिर्फ इनसाइड लग केस लेंगे आप हम लोग, तो P इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस ई, और इनसाइड में मेरे पास क्या आया था देखो रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर और क्या हो गया आर कैप, तो P मेरा हो गया आपका यहाँ पे ये P हो गया एप्सिलॉन आपका कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन आर माइनस वन एप्सिलॉन आर माइनस वन बाय थ्री एप्सिलॉन आर आपका हो जाएगा रो आर एंड आर कैप, ये आपका P आ गया रो आर आर कैप P आ गया आपका ठीक है। तो जब P आ गया तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं रो बी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पे सिग्मा बी भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी करके निकाल लेंगे आप यहाँ पे और क्या हो जाएगा यहाँ पे पी डॉट एन कैप कर लेंगे आप यहाँ पे ठीक है। तो रो भी कितना आपका आ जाएगा माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी करोगे तो एप्सिलॉन आर माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री एप्सिलॉन आर, ये थोड़ा सा ये आपका एप्सिलॉन आर है आपका यहाँ पे इतना हो गया और रो और वन बाय आर स्क्वायर वन बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर और फिर आर स्क्वायर और इंटू कितना हो गया आर आपका आ गया, सो रो भी देखो कितना आ रहा है रो बाय थ्री एंड एप्सिलॉन आर माइनस वन बाय एप्सिलॉन आर और ये कितना आ जाएगा थ्री थ्री आर स्क्वायर तो आर से कैंसिल कर दो थ्री आपका हो गया, तो रो भी आपका आ गया देखो रो बाय रो इंटू आपका आ गया रो इंटू एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन आर का इतना हो गया ठीक है, ये आपका आ गया रो भी, और सिग्मा भी आप लोगे तो पी डॉट एन कैप एन कैप जब का हो गया इस पूरे स्फीयर में आपका सरफेस आपका एक जगह पे आपका यहाँ पे है एन कैप आपका ऐसा हो गया, तो इस सरफेस के आपका एन कैप क्या हो गया आपका आर कैप के बराबर ही हो गया आपका यहाँ पे, तो सिग्मा भी आपका क्या आ जाएगा देखो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस वन बाय थ्री एप्सिलॉन आर और क्या आपका हो गया रो आर ये आपका हो गया सिग्मा बी हो गया ठीक है। सो देयरफॉर सर जीरो कैसे आ रहा है मतलब सेम क्वांटिटी है बट नेगेटिव साइन तो नहीं है मतलब अपोजिट नहीं है। हाँ एक मिनट कहीं पे रो भी आपका छूट गया ना यहाँ पे माइनस यहाँ पे था ना यहाँ पे ठीक है
छूटा है ना माइनस, देख लो एक बार चेक कर लो। यस सर, ठीक हो गया। हाँ माइनस यहीं से था कहाँ पे, वो छूट गया था कहाँ पे, सॉरी इसमें तो नाप के नहीं आएगा ना, यहाँ तक हो गया, ये आपका हो गया माइनस। ठीक है चलो, तो ये क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन आप लिखो, कुछ पूछना किसी को तो एक बार देख लो, तो क्वेश्चन लिखो फिर। ए यूनिफॉर्म आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक, आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक इज शेप्ड SHAPED शेप्ड एज ए स्फेरिकल लेयर, इज शेप्ड एज ए स्फेरिकल लेयर विथ रेडियाई ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, विथ रेडियाई ए एंड बी, फुल स्टॉप। ऑब्टेन obtain the surface density of, obtain the surface density of bond charges at the inner and outer surfaces, obtain the surface density of bond charges at the inner and outer surfaces and volume density of, and volume density of bond charges if the dielectric has, if the dielectric has a positive charge q, if the dielectric has a positive charge q uniformly distributed over the inner surface of the layer, over the inner surface of the layer. ठीक है चलो पिछले बार बनाना। आपका ये स्फेरिकल क्या है आपका लेयर विथ रेडियाई ए एंड बी, आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक इज शेप्ड एज अ स्फेरिकल लेयर विथ रेडियाई ए एंड बी, आपका ऐसे ही आपका है, आपका इनर आपका ए हो गया, आपका आउटर कितना हो गया यहाँ पे आपका बी हो गया, आपका जो मटेरियल है कहाँ पे यहाँ, यहाँ का क्या, यहाँ क्या आपका है मटेरियल है, और आपने जो चार्ज क्यू दे रखा है वो कहाँ पर दे रखा है, इसके इनर लेयर पे आपने दे रखा है, इनर लेयर पे आपने यहाँ पे चार्ज क्यू आपने दे रखा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है तो आपको बताना है वॉल्यूम सरफेस जो भी आपका है उसे बताना है आपको, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो बताता हूँ फिर उसको। ठीक है चलो, तो ये आपका हो गया डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसमें आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, तो आगे हम लोग को पढ़ना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें करने हैं। क्या इसमें आपका है कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है किसी सरफेस को क्रॉस करता है, ठीक है
मीडियम चेंज करता है, उस मीडियम में या उस सरफेस पर क्या आपको है चार्ज डेंसिटीज प्रेजेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम से पहले और उसके बाद दोनों क्या आपको होते हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उस मीडियम से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, उस मीडियम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ और आपका हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के लिए क्या होता है, और बाउंड्री कंडीशंस आपका उसके लिए क्या आपका होता है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए क्या होता है आपका डी ई और पी तीनों के लिए हम लोग देखेंगे इसमें। और उसके अलावा आपका क्वेश्चन आए हुए हैं जैम के एग्जाम में, और फिर इसमें आपका डायलेक्ट्रिक को लेकर के आपका कैपेसिटर्स के कुछ प्रॉब्लम बनते हैं, हालांकि पूरा कैपेसिटर नहीं था आपका इसमें देखना, डायलेक्ट्रिक्स मिला करके जो आपका प्रॉब्लम बनता है कैपेसिटर में वो आपका होता है। तो मैं सोचता हूँ कि कैपेसिटर में शुरू से ही बता दूंगा आपको, जो आपका ट्वेल्थ आपने पढ़ा हुआ है वहाँ से लेकर के आपको ये डायलेक्ट्रिक के साथ साथ जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद ये जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैट्स ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपका मैग्नेटोस्टैट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोट सेवर्ट लो वगैरह से, ठीक है। चलो तो आज सुबह में बहुत तेज बारिश हो रही है, दो दिन से बारिश हो रहा है यहाँ पे, अभी भी शायद बारिश ही हो रहा है मुझे लगता है। मॉर्निंग का क्लास आज नहीं हुआ, हम लोग सैटरडे को क्लास करेंगे मॉर्निंग का, मैकेनिक्स वाला पोर्शन खत्म करेंगे उसमें हम लोग। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू सर।